साउथ सिनेमा के सुपरहिट फिल्म विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा हो रही है। डायरेक्टर नीरज पांडे ये फिल्म शाहरुख खान के साथ शुरू करना चाहते थे, जो बाद में आमिर खान के पास पहुंची और जब इन दोनों एक्टर से बात नहीं बन पाई तो फाइनली नीरज पांडे ने ऋतिक रोशन से विक्रम वेदा रीमेक के लिए हाथ मिलाया। ऋतिक रोशन काफी समय से इस फिल्म की तैयारियां कर रहे हैं और ताजा रिपोर्ट्स की माने तो जून के महीने से इस फिल्म की पहली शेड्यूल शुरू हो जाएगी। फिल्म विक्रम वेदा से जुड़े रिपोर्ट्स ने बताया कि ऋतिक रोशन विक्रम वेदा रीमेक को जून के महीने से शुरू करेंगे। इसमें वो गैंगस्टर वेदा का किरदार निभाते दिखेंगे, जो कि निभाया था रियल में विजय सेतुपति ने। ऋतिक रोशन इस रोल के लिए लगातार तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन मई के महीने में वो किरदार के मुताबिक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इसके लिए उन्होंने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि फिल्म विक्रम वेदा रीमेक का डायरेक्टर पुष्कर और गायत्री ही करेंगे, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म बनाई थी। इस समय ये दोनों फिल्म के प्री प्रोडक्शन वर्क में लगे हैं और शूटिंग लोकेशन से लेकर कैरेक्टर्स के लुक फाइनल कर रहे हैं। फिल्म विक्रम वेदा में सैफ अली खान पुलिस अफसर यानी कि आर माधवन का कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे। सैफ अली खान पिछले कुछ समय से लगातार अपने कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये फिल्म उसी सिलसिले को आगे बढ़ाती दिखेगी। विक्रम वेदा के लिए सैफ अली खान ने पहली बार ऋतिक रोशन के साथ हाथ मिलाया है। इससे पहले इन दोनों एक्टर्स को दर्शकों ने कभी भी एक साथ नहीं देखा। विक्रम वेदा के साथ साथ ऋतिक रोशन के पास डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर भी है, जो कि मेगा बजट की फिल्म है और एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। वेल दोस्तों, फिलहाल तो सबकी नजरें टिकी है विक्रम वेदा के रीमेक पर और ऋतिक रोशन के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे। वेल, आपको क्या लगता है कि कैसा होगा ये फिल्म, कैसी होगी रीमेक? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच।